आज भी कोई स्टोरी ढूंढता हूँ। अस्सलामुअलैकुम अहमद। वालेकुम सलाम पापा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अहमद, तुम क्या कर रहे हो? पापा मैं आज भी स्टोरी ढूंढ रहा हूँ। चलो बेटा मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक चूहा रहता था। चूहा उस जंगल में नया नया आया था। उसे जंगल के तौर तरीकों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अब वो जंगल में चहलकदमी करने लगा तो उसे चलते चलते जंगल में कुछ और जानवर मिले। वो डरता डरता अंदर अपने बिल में घुस गया, लेकिन वो जानवर तो उससे दोस्ती करना चाहते थे। वो सारे जानवर चलते चलते चूहे के घर पहुंच जाते हैं। चिड़िया उससे कहने लगती है, है? तुम हमारे दोस्त बन जाओ, हम मिलके बहुत सा खेला करेंगे। हाँ हाँ, तुम हमारे दोस्त बन जाओ। हाँ ना, तुम हमारे दोस्त बन जाओ ना। चूहा इनकी बातें सुनता है और बहुत खुश होता है कि उसे जंगल में नए दोस्त मिल गए हैं। अगले दिन चूहा बिल्कुल बेखौफ अपने बिल से बाहर निकलता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों की तलाश होती है। दोस्तों को ढूंढते ढूंढते वो शेर के सामने चला जाता है, क्योंकि सारे जानवरों ने कहा था कि सबसे मिलने में कोई मसला नहीं है। तो वो समझा कि शेर भी दोस्त है। वो शेर के साथ खेलने लगता है, कभी उसके ऊपर चढ़ जाता है और कभी उसके ऊपर छलांगे लगाने लगता है। शेर सो रहा होता है और यकदम जब उसकी आंख खुलती है तो वो चूहे को गर्दन से पकड़ लेता है। तुम ये मेरे ऊपर उछल कूद क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं जंगल का शेर हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस खेल रहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे एक दिन काम जरूर आऊंगा। तुम मेरे काम आओगे ये कैसे हो सकता है? बस मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे एक दिन जरूर काम आऊंगा, प्लीज मुझ पे रहम दिली करो। चलो ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा मुझे नजर ना आना। ठीक है, मुझे जाने दे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शेर बहुत रहम दिल होता है और वो चूहे को जाने देता है। कुछ ही दिनों बाद जब शेर वहां से गुजर रहा होता है, वो एक शिकारी के जाल में फंस जाता है और सब जानवर वहां दौड़े दौड़े आते हैं कि शेर जाल में फंस गया है। किसी को समझ नहीं आती कि शेर को अब जाल से कैसे निकाले। यकायक चूहा शेर की दुम की मदद से जाल के ऊपर चढ़ जाता है और जाल को काटना शुरू कर देता है। चूहे के तेज दांत जाल को अच्छी तरह काट देते हैं और यूं शेर जाल से बाहर निकल आता है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि प्यारे बच्चों, हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, हमारे दिल में रहम दिली जरूर होनी चाहिए। अल्लाह ताला रहम दिल इंसान को बहुत बहुत पसंद करता है। दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की गई, हर चीज़ हमारे काम आ सकती है और एक दूसरे के काम आकर हम सब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।